आज हम स्वामी रैदास जी का चरित्र ले रहे हैं। इनके चरित्र में हमें ये देखने को मिलता है कि इनकी कितनी भक्ति थी, और एक इन्होंने गुरु की आज्ञा का अवहेलना करी तो इन्हें कहाँ जन्म लेना पड़ा, चमार बनना पड़ा। और चमार बन के भी इनका जीवन कितना महान हो गया, क्योंकि इन्होंने सहन बहुत करा, भक्ति बहुत करी। तो इसमें गुरु की महिमा, भक्ति की महिमा और सहन करने की महिमा हम खास देखेंगे। तो इसमें ये भी बहुत दिखाया है कि जाति से किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए कि ये तो चमार जाति के हैं, ये तो शूद्र जाति के हैं, इसलिए ये छोटे हैं, ऐसा नहीं समझना चाहिए। सभी भक्त किसी भी जाति का हो वो महान है, ऐसा समझना चाहिए। कुछ दोहे हम लोग पहले बता देते हैं, ये आपने सुने होंगे, इसमें कुछ तो सुने ही होंगे। मन चंगा तो कठौती में गंगा। अगर हमारा मन शुद्ध है, पवित्र है, तो जैसे हम गंगा नहाने जाते हैं, हमें लोभ नहीं है, लालच नहीं है, राग द्वेष नहीं है, तो उसका मन गंगा जी जैसा पवित्र है। मन ही पूजा, मन ही धूप, मन ही सोऊं सहज स्वरूप। तो कह रहे निर्मल मन की ही पूजा है, जिस मन में कोई राग द्वेष लोभ लालच वैर नहीं होता है, वो ही मन, उसी मन के वो ही मन मंदिर है। हरीसा हीरा छाड़ के करे ना आन की आस, तेनर जमपुर जाएंगे सत भाषे रैदास। कह रहे भगवान को छोड़कर, हरि को छोड़कर और कहीं आस मत लगाओ कि मुझे पैसे में सुख मिलेगा, मुझे मान बढ़ाई में सुख मिलेगा, जो सुख आराम में सुख मिलेगा। सच्चा सुख भगवान में है, सच्चा सुख भजन में है, सच्चा सुख प्रेम में है, और कहीं सुख नहीं। बोले जो भगवान को छोड़कर और जगह जाएंगे वो नर जमपुरी जाएंगे, ऐसा सत रविदास जी कहते। रविदास जन्म के कारणे होत ना कोई नीच, नरक को नीच करी डार है ओछे कर्म की खींच। कहने कोई भी व्यक्ति जाति के कारण नीच नहीं होता है, आदमी अपने कर्मों के कारण ऊंचा या नीचा होता है, जाति से कोई ऊंचा या नीचा नहीं होता है। अगर वो ब्राह्मण कुल में है और उसके खराब कर्म है तो नीच है, और शूद्र कुल में भी है पर अगर भक्त है, उसके आचरण अच्छे हैं तो महान है। ब्राह्मण मत पूजिए जो होवे गुणहीन, पूजिए चरण चंडाल के जो होवे गुण प्रवीण। बोले अगर ब्राह्मण भी है और गुणहीन है तो उसे मत पूजिए, और अगर चंडाल भी है पर उसके अंदर सारे गुण हैं तो उसकी पूजा करिए। जाति जाति में जाति है जो केशन के पाँव, रैदास मनुष्य न जुड़ सके जब तक जाति न जात। जैसे केले के पत्ते को उतारते जाओ उतारते जाओ उतारते जाओ उतारते जाओ तो अंत में कुछ नहीं मिलता, ऐसी संसार है, संसार में कुछ नहीं मिलता, किसी के हाथ कुछ नहीं होता। कह रहे ऐसी जात पात मनुष्य करता है, इसकी ये जाति उसकी ये जाति, कितनी जातियाँ डिवाइड कर दी। तो बोले जाति जाति मनुष्य करता रहता है, मनुष्य तो पता नहीं कहाँ खो जाता है, इसकी ये जाति उसकी वो जाति, तो कितनी भी जातियाँ बनाते रहो मनुष्य खो जाता है, और जाति जाति करते करते कुछ हाथ नहीं लगता। अब हम लोग रैदास जी का चरित्र शुरू करते हैं। रैदास जी जो थे, इनका एक ब्रह्मचारी शिष्य था, तो रैदास जी उसको कहते थे कि ब्राह्मणों के यहाँ से नित एक चुटकी आटा ले आया करो, भिक्षा ले आया करो। तो रोज़ लेकर आता था, रोज़ जब वो लेने जाता था तो एक बनिए की दुकान पड़ती थी, तो रोज़ बनिया उससे मिन्नत करता था कि तुम मेरे यहाँ से सीधा सामान ले लो, मतलब मेरे यहाँ से कच्चा राशन ले लो। तो मना कर देते थे कि मुझे तो ब्राह्मणों के यहाँ से लेना होता है। अब एक दिन क्या हुआ कि सीधा सामान लेने गए हुए थे रैदास जी के जो ब्रह्मचारी शिष्य थे, उन्होंने बहुत बारिश हो रही थी, तो ये बहुत पीछे पड़े हुए थे, बनिया बहुत पीछे पड़े हुआ था कि तुम मेरे यहाँ से सामान ले लो, मेरे यहाँ से सामान ले लो। तो बोला आज तो कोई तरीका भी नहीं है, मेरे यहाँ से ही ले लो सामान। तो इनके को समझ में नहीं आया
तो इन्होंने कहा कि चलो आज इन्हीं के यहाँ से ले लेते। तो ये इनके यहाँ से सामान लेके ब्रह्मचारी जी पहुँचे। रसोई बनाई गई, श्री रामानुजाचार्य ने जिन्हें भोग लगाया, परंतु प्रभु ने नहीं आरोगा, मतलब जैसे भोग लगाया तो भगवान ने उसका भोग नहीं लगाया। देखिए पहले के संत लोगों को कितने वो लोग सिद्ध होते थे, भगवान ने भोग नहीं लगाया। तो उन्होंने बुलाया ब्रह्मचारी को, आवाज़ देके, उनकी आवाज़ में रोष था, तो ब्रह्मचारी डर गए, भागे भागे आए। तो उन्होंने पूछा कहाँ से लाए वो सामान, तो कुछ सच्चे थे, सच सच बता दिया कि ऐसे ऐसे बनिया ने पीछे, बहुत बारिश हो रही थी, मैं जा नहीं पाया ब्राह्मणों के यहाँ, तो बनिया पीछे पड़ रहा था, उसके यहाँ से ले आया। तब श्री स्वामी जी ने विचार किया कि वैश्य का अन्न तो निषिद्ध नहीं है, कुछ और ही तथ्य रहस्य। तब आपने ध्यान देकर देखा तो पता चला कि शूद्र का अन्न, परंतु शूद्र भी अगर वैष्णव को श्रद्धा भक्ति पूर्वक देता है तो कोई निषेध नहीं है। अतः फिर ध्यान से देखा तो मालूम हुआ कि वैष्णव भी नहीं है, संत भी नहीं है, उसने तो पुत्र की कामना से दान दिया। हे नाथ, बात यह थी कि उस शूद्र के कोई संतान नहीं थी, घर धन धान्य से भरा था, उसने पुत्र उत्पत्ति के लिए बहुतेरे प्रयत्न किए परंतु सफल नहीं हुआ। किसी सज्जन ने उसे स्वामी रामानुजाचार्य जी की महिमा सुनाकर कहा कि यदि श्री स्वामी जी तुम्हारा कोई सेवा स्वीकार कर लें तो निश्चय ही तुम्हें संतान लाभ हो जाएगा। परंतु समस्या यह थी कि स्वामी जी सीधे चरमकार के हाथ से कुछ लेने से रहे, वे तो शूद्र के की कौन कहे वैश्य और क्षत्रिय के घर से भी कुछ नहीं लेते थे। पूर्व में कह चुके हैं गह ब्रह्म चुटकी को, तब वह शूद्र के या बनिया के पीछे पड़ा कैसे सामान ले लेते। अब कहानी ये थी कि बनिए को उन्होंने जो इनके माता पिता थे रैदास के, उन्होंने कहा था कि तुम इनके ब्रह्मचारी तुम्हारे यहाँ से रोज़ गुजरते हैं, उनको तुम किसी तरह से अन्न दे दो और हमारा अन्न उनके यहाँ पहुँच जाए और उसका प्रसाद बन जाए तो हमारे यहाँ संतान हो जाए और हम तुम्हें बहुत इसके बदले में बहुत मालामाल कर देंगे। तो इस तरह से उन्होंने, नहीं तो बनिए को क्या पड़ी थी कि कहे कि भाई तुम अन्न ले लो। तो अब फिर स्वामी जी ने देखा, मालूम हुआ कि उस शूद्र के यहाँ तो 7 जन्म तक पुत्र नहीं है। तब तो आप बड़े असमंजस में पड़े, इधर पुत्र का योग नहीं, उधर उसका दृढ़ विश्वास कि श्री स्वामी जी की कृपा से अवश्य पुत्र होगा। अंत में विश्वास की विजय हुई। श्री स्वामी जी ने ब्रह्मचारी जी को उसका पुत्र होने का विधान कर दिया। अब देखिए गुरु की आज्ञा नहीं मानी तो क्या क्या विधान हो गया। यहाँ दो बात दिखाई गई, एक तो ये कि 7 जन्म से ब्राह्मण शरीर पाने वाले श्री ब्रह्मचारी जी गुरु आज्ञा की अवज्ञा करने से नीच कुल में जन्म लेने को विवश हुए। अतः भूल कर भी गुरुजनों की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। दूसरी बात ये कि श्री स्वामी जी ने उस शूद्र के पुत्र का योग ना होने पर भी पुत्र का योग बना दिया, ये उनके अहित की कृपा थी। श्री रैदास जी का प्रादुर्भाव काशीपुरी में 1371 माघ पूर्णिमा को हुआ। इनके पिता का नाम रघु और माता का नाम गुरबिनिया था। वात्सल्यवश माता दूध पिलाना चाहती थी परंतु ये दूर हट जाते थे। अब ब्रह्मचारी उनके कहाँ घर पुत्र बन के आ गया, अब पुत्र पैदा हो गया, अब माता दूध पिलाना चाहती थी पर ये पीते नहीं थे दूध। उन्होंने कहा एक बार अन्न आ गया इनके घर का अन्न, जो मेरे माता पिता बने हैं इनके घर का अन्न मेरे गुरु जी के यहाँ आ गया तो ये हालत हो गई कि मुझे इनके घर में जन्म लेना पड़ा, अब मैं इस माता का दूध पीऊँगा तो मेरा क्या हाल होगा, इससे तो मैं मर ही जाऊँ, मैं इन माता का दूध नहीं पीऊँगा। उसे छूना भी नहीं चाहते थे क्योंकि गुरुदेव की उत्तम सेवा के प्रताप से इन्हें सब पूर्व जन्म की बातें याद थी। ये मन में सोचते थे कि एक बार इन्हीं चमार माता पिता की वस्तु ग्रहण भर किए थे, खाए पिए भी नहीं थे, क्योंकि ठाकुर जी ने ही नहीं पाया था तो ये कैसे पाते। उसका दुष्परिणाम ये गति हुई, अब यदि यहाँ जीऊँगा और खान पान करूँगा तो
तो न जाने कौन सी गति होगी। अतः अब की बार अत्यंत सावधान। सेवा का प्रताप श्री रैदास जी को पूर्व जन्म की स्मृति बनी गई कि पूर्व जन्म में ब्रह्मचारी था और मैंने गुरु जी के यहाँ सेवा करी थी। टीकाकार कहते हैं सदगुरु संत भगवंत की सेवा का प्रताप है। सेवा से जिसका अंतःकरण सर्वथा निर्मल हो जाता है उन्हें भूत भविष्य व वर्तमानवती वासने लगता है, उनकी स्मृति कभी नष्ट नहीं होती। दो ही चीज़ें गुरु कहते हैं, सेवा और भजन। सेवा का भी बहुत महत्व है। अगर हम निष्काम भाव से सेवा करते हैं, भगवत अर्पण बुद्धि से सेवा करते हैं, तो हमारी सेवा जो है वो हमारे अंतःकरण को शुद्ध कर देती है और शुद्ध अंतःकरण में भगवान का निवास होता है। तो सेवा का बहुत महत्व। श्री जड़ भरत जी कहते हैं कि पूर्व जन्म में मैं भरत नाम का राजा था, सब विषयों से विरक्त था, परंतु मृग में अति आसक्ति होने के कारण मुझे मृग योनि में जन्म लेना पड़ा। तो क्योंकि मैंने श्री कृष्ण की इतनी सेवा करी थी, इतना ध्यान करा था, तो मुझे याद रहा कि मैं क्यों मृग बना, मैं राजा होते हुए भी मृग क्यों बना, उन्हें याद रहा। अब उसी समय आकाशवाणी हुई और रामानुजाचार्य के यहाँ आकाशवाणी हुई उनके यहाँ कि आपके श्राप से आपके शिष्य का जन्म रघु चमार के घर में हुआ है और वह माता का दूध नहीं पी रहा, कृपा कीजिए। उसे सुन के स्वामी जी के मन में विचारा कि मैंने उसके ब्रह्मचारी के थोड़े से अपराध के मारे उसको भारी दंड दे दिया। श्री स्वामी जी जब आश्रम से चले तो काशीपुरी में हल्ला मच गया, क्योंकि उस समय तो वो ध्यान समाधि में रहते थे, बहुत बड़े संत थे रामानुजाचार्य। इनका पूरा रामजी संप्रदाय इन्हीं पे बेस्ड है। लोगों को उनका दर्शन दुर्लभ था, परंतु आज सहज सुलभ हो गया। लोग दर्शन कर कृतार्थ हो गए, परंतु जब चमारों की बस्ती की ओर बढ़े तो लोगों को आश्चर्य का ठिकाना नहीं था, क्योंकि ये बात सर्वविदित थी कि स्वामी जी नीच का मुख नहीं देखते। आज क्या बात है जो रघु चमार के घर की ओर जा रहे हैं। श्री स्वामी जी अपने पतित पावन विरद को चरितार्थ करते हुए रघु चमार के आंगन में पहुंचे। शिष्य ने कुशासन बिछाया और उस पर विराजमान हो गए। माता पिता ने बालक के प्राण बचाने की विनती करी। स्वामी जी ने कहा, बालक को मेरे पास छोड़ दो, मैं अकेले में इसको वरदान दूंगा। और उन्होंने उसको कहा, बालक को कहा। श्री रैदास जी ने स्वामी का दर्शन किया तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। ये छोटे से बालक की आंखों में आंसू आ गए। पूर्व अभ्यास से उसने गुरु को पहचान लिया, नवजात शिशु। श्री स्वामी जी ने रैदास को श्री राम मंत्र सुनाकर उपदेश दिया कि आत्मा तो असंग है, वह ना तो ब्राह्मण है ना शूद्र है, वह तो ईश्वर का अंश है, अविनाशी है, चेतन है, अमल है, सहज सुख राशि है। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल, सहज सुख राशि, शरीर परमार्थ में साधक ही है, बाधक नहीं। तीनों बिनु वेद भजन नाही बरना, शरीर के बिना कैसे भजन होगा। अतः स्वरूप का स्मरण करते हुए तुम शरीर की रक्षा के लिए माता का स्तनपान करो, कोई दोष नहीं। माता का दूध कोई ऐसा प्रतिग्रह नहीं है जिसमें पतन की संभावना हो, वह तो उसका विशुद्ध वात्सल्य प्रेम है और उस पर शिशु का अधिकार है। श्री रैदास जी की प्रार्थना की और मेरी माता वैष्णवी तो है नहीं, कैसे उसका स्तनपान करूं। अब श्री रैदास जी ने कहा, मन ही मन सोच रहे हैं कि मेरी माता वैष्णवी तो है नहीं, भक्त तो है नहीं, कैसे उसका दूध पीऊं। तब श्री स्वामी जी ने परमादार्य पूर्वक उनकी माता को श्री वैष्णवी दीक्षा दी और दीक्षा से पाप का नाश होता है, दीक्षा लेने से पाप का नाश होता है। और विद्यारण्य मुनि का दृष्टांत दिया है कि विद्यारण्य मुनि जो थे उन्होंने 23 पुरुष चरण किए और वो चाहते थे गायत्री माता का दर्शन, उन्हें दर्शन नहीं हुए। तो उन्होंने उनको मतलब बहुत वैराग आया और उन्होंने वैराग लेकर वो मतलब छोड़ दिया पुरुष चरण का। उन्होंने कहा ये दर्शन तो देती नहीं है। तो जब इन्होंने संन्यास ले लिया तो इनको गायत्री माता ने दर्शन दिए। बोला, बताओ बताओ तुम क्या चाहते हो।
तो उन्होंने कहा कि जब मैंने 23 पुरुष चरण करे तब तो आपने मुझे दर्शन दिए नहीं, अब मुझे जब कुछ नहीं चाहिए तब आप दर्शन दे नहीं। तो उन्होंने कहा 23, देखो तुम्हारे कितने पाप थे, तुम्हारे जितने पाप थे वो 23 पुरुष चरण से जल गए, और एक तुमने संन्यास ले लिया उससे जल गए, तो ऐसे तुम्हारे सब पाप जल गए, तो इसी में प्रकट हो गए। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, बांके बिहारी लाल की जय। अब फिर एक और दृष्टांत है कि एक बार एक शेर जो है वो लोगों को खाने लगा था, तो लोगों ने कहा क्या करें ऐसे, तो उन्होंने विचार किया तो एक लोहे का पिंजरा बनाया और उसमें एक बकरा रख दिया, और वो बकरा जो है वो उन्होंने कहा कि जैसे ही शेर बकरे को खाने के लिए घुसेगा तो दरवाज़ा बंद हो जाएगा, दरवाजे की जो वो थी रस्सी वो एक आदमी के हाथ में थी, तो शेर बहुत भूखा था, जैसे वो बकरे को खाने के लिए घुसा तो दरवाज़ा बंद कर दिया गया, अब शेर उसमें फंस गया, उसने बकरा तो खा लिया, अब फिर भूखा हो गया, शेर को तो रोज़ भोजन चाहिए, अब क्या करे शेर। तो वहाँ से एक आदमी जा रहा था, तो शेर ने उससे बहुत प्रार्थना करी और कहा कि भैया आज आप मतलब मुझे निकाल दीजिए, तो उसने कहा तुम तो मुझे खा जाओ, उसने कहा नहीं मैं नहीं खाऊंगा, उसने उसको ज़बरदस्ती कहा कि तुम मुझे मतलब आश्वासन दो कि मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा, तो उसने कहा अच्छा ठीक है, उसने खोल दिया, शेर बाहर आ गया, अब उसको खाने को दौड़ा, उसने कहा तुमने तो कहा था कि मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा, तो बोला ये तो जानवर की रीति है कि वो खाता ही है मनुष्य को, उसने कहा किसी भी जानवर से पूछ लो जंगल का नियम क्या है, तो उसने जिस जानवर से पूछा तो सब ने कहा कि जंगल का तो नियम है यहाँ कोई कायदा नहीं होता। फिर वो एक सियार के पास गए, तो सियार ने उससे कहा, उसको ऐसे इशारा करके कहा कि चलो हम लोग शेर को पिंजरे के पास ले चलते हैं, शेर को पिंजरे के पास ले गया सियार, और बोला कि आप जो हैं इस पिंजरे में कैसे बंद हो गए, मुझे तो विश्वास ही नहीं होता, जरा आप पिंजरे में घुस के दिखाइए, पिंजरे में घुस के दिखाया शेर ने, जैसे ही वो पिंजरे में घुसा झट से दरवाज़ा बंद कर दिया, फंस गया और फिर उसी में मर गया भूख से। बोला ऐसी देखिए इसका सिद्धांत कितना अच्छा है, ऐसी संत सदगुरु जो है वो हमको इस संसार रूपी सागर से छुड़ाते हैं, अपना उपदेश देके, सत्संग देके, भक्ति देके, भजन देके, और फिर वो सब छोड़कर हम संसार में फंसते हैं। अब रैदास जी का चरित्र शुरू होता है, अब रैदास जी जो हैं बड़े हो गए हैं और इनका विवाह भी हो गया है, और ये अपने पिता के घर रहते हैं, इनके पिता जो है बहुत धनवान हैं, तो इनके एक दिन इनके हाथ पिता की तिजोरी की चाबी लग गई, तो ये चाबी खोल कर और मुट्ठी भर मोहरे रोज ले जाते और कभी संतों का भंडारा कर देते, कभी किसी को कुछ, किसी को कमंडल दिला देते, किसी को रजाई कंबल दिला देते, किसी को लोटा दिला देते, सब संतों की सेवा कर देते। तो एक दिन क्या हुआ कि इनकी माता भी इनको ले जाते हुए देखती थी, पहले तो समझती थी कि मेवा ले जा रहा है या बाल भोग ले जा रहा है, पर बाद में उन्हें पता चला कि मोहरे ले जाता है, पर उन्होंने पुत्र के लाड़ में कभी कुछ नहीं किया। एक दिन पिता ने तिजोरी खोलकर जब पैसे गिने तो देखा कि भैया बहुत कम हो गई है, तिजोरी तो आधी रह गई है, तो उन्हें इतना गुस्सा आया, उन्होंने पूछा क्या हुआ ये कैसे कम हो गई, तो पता चला ये ले जाकर संतों पे खर्च कर देते। देखिए इतना गुस्सा आया, इन्हें इतना गुस्सा आया कि पुत्र को घर से निकाल दिया, बोला जिस पुत्र को के लिए इतना प्रयत्न किया था, इतनी प्रयत्न से पुत्र प्राप्त हुआ था, वो प्यारा नहीं था, पैसा प्यारा, पुत्र को घर से निकाल दिया, और जब पिता ने अलग कर दिया तो शेर भर आटा भी नहीं दिया, रहने को स्थान भी नहीं दिया, वो अपना पुराना मकान दे देते, कुछ इंतज़ाम कर देते, कुछ नहीं करा, बस ऐसे ही निकाल दिया, रहने खाने को आटा नहीं, रहने को घर नहीं। रैदास जी भक्त थे, उनकी पत्नी बड़ी ही पतिव्रता एवं आज्ञाकारी थी, बाजार के चौराहे पे बैठ कर जूते बनाने लगे,
इतने धनवान के बेटे बैठकर चौराहे पे जूते बनाने लगे। आवश्यकता पर पैसे मिल जाते जिससे निर्वाह हो जाता। श्री रैदास जी ये बात किसी से नहीं कही, जबकि लोग हक हिस्से में के लिए निरा बैर बांध लेते हैं। इसलिए उन्हें विश्वास था कि परम कृपालु प्रभु मेरा योगक्षेम वाहन करेंगे। लोगों ने ये बात किसी से नहीं कही कि पिता ने मुझे निकाल दिया है, और वो अपना बोले कि उनको पता था कि परम कृपालु प्रभु मेरा योगक्षेम जरूर वाहन करेंगे। सबसे बड़ा गुण इनमें क्या था? संतोष। कुछ ना मिलने का भी किंचन मात्र भी लोभ नहीं था। इन्हें कुछ भी नहीं मिला तो भी इन्हें कोई दुख नहीं था कि मेरे पिता इतने धनवान हैं मुझे कुछ नहीं दिया। उन्हें जरा भी शोभ नहीं था। उन्हें अपनी उन्हें भगवान पर बहुत विश्वास। जोड़े में रह के उन दोनों ने जाड़ा गर्मी वर्षा के बड़े बड़े संकट अपने शरीर पर सहन किए, परंतु हृदय में उनके दुख था। सहज स्वभाव में प्रेम रंग में रंगे थे, अतः सदा आनंद मगन ही रहते। कोई सर पे छत नहीं, ओढ़ने बिछाने को कुछ नहीं, खाने पीने को कुछ नहीं। इन्होंने और इनकी पत्नी ने बहुत कष्ट सहन किए, तो ये बिल्कुल कुछ भी दुखी नहीं होते और आनंद मगन रहते थे। अतः उनके यहाँ संत तो आया करते थे और आज भगवान भी आ गए। संतों की सेवा के प्रताप से श्री रैदास जी को भगवान का दर्शन हो गया। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। भगवान का माता का सा स्वभाव है, जैसे माता पुत्र का कष्ट नहीं देख सकती, उसी प्रकार भगवान से भी भक्तों का कष्ट नहीं देखा जाता। भगवान के श्रीमुख का वचन है, सुनु मुनि तो ही कहूँ सह रोसा, भजई जे मोही तजी सकल भरोसा, करूँ सदा तिनकी रखवारी, जिमी बालक राखई मथारी। जैसे माँ अपने बच्चे को रखती है, ऐसी मैं तो जन्मों जन्मों की माँ हूँ, मैं अपने भक्तों की संभाल करता हूँ। श्री रैदास जी ने तब संत वेशधारी भगवान का दर्शन किया तो अत्यंत आनंद में भरकर नृत्य किया और ये पद गाया। साधु वेशधारी भगवान को भोजन के लिए श्री रैदास जी ने सीधा सामान देने लगे तो भगवान ने इनकार कर दिया और कहा कि हम चूल्हा चक्की नॉन तेल लकड़ी के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। तब उन्होंने विचार किया कि संभवतः हमारी जाति विचार करके हमारे घर का सामान नहीं लेना चाहते, अतः ऐसा कहते हैं। तब ये पैसे देने लगे कि बाजार में जाकर कुछ खाल पी लीजिएगा, परंतु प्रभु ने पैसे भी देने से इनकार कर दिया। तब ये बड़ी विनम्रता पूर्वक पूछे कि आखिर आप भोजन कैसे करेंगे और क्या करेंगे। भगवान ने कहा कि हम तुम्हारे यहाँ ही प्रसाद पाएंगे, तुम्हारी पत्नी कढ़ी पकौड़ी बहुत अच्छी बनाती है, इसलिए तुम तुम्हारी पत्नी से बोलो कि कढ़ी और भात बनाए और हम उसका भोग आरोगे। तो भगवान तो कढ़ी और भात का प्रसाद बना और ठाकुर जी ने बड़े प्रेम से उस प्रसाद को पाया। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। भक्त और भगवान की जय। भगवान आपको भले यहाँ हर्ज ना हो, परंतु यदि संत सुन लेंगे तो आपकी अपनी पंक्ति में भी नहीं बैठाएंगे। तो उन्होंने कहा अगर संत आपको सुन लेंगे तो आपको पंक्ति में भी नहीं बैठाएंगे। आपने राम तो रमते, तो भगवान ने कहा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। साधु अब वो साधु बन के आए थे भगवान, तो भगवान ने रैदास जी को पारसमणि देते हुए कहा कि इसे संभाल कर रखना, और छुआ कर भी दिखाया कि पारसमणि है, इससे लोहा सोना हो जाता है, तुम इसको अपने पास रखो, इससे तुम्हारी दरिद्रता दूर हो जाएगी। पर रैदास जी ने कहा कि मुझे तो चाहिए नहीं, आप मेरी उसमें झोपड़ी में खोज दीजिए। तो झोपड़ी में खोज गए, 2-3 साल बाद आए तो देखा कि वहीं घुसा हुआ है, तो उन्होंने देखा कि वैसी दरिद्रता है। तो उन्होंने कहा कि अब तुमने कुछ करा नहीं, तो भगवान ने फिर उसको छुआ के दिखाया, लोहे का चिमटा पड़ा था, ये सोने का हो गया देखो। बोले भगवान इसे आप ले जाइए, मुझे नहीं चाहिए। आप भगवान ने कहा इसने पारसमणि तो स्वीकार कर ही नहीं। तो भगवान ने क्या करा कि जब ये रोज सेवा पूजा करते ठाकुर जी की, तो रोज 5 मोहरें आ जाती इनकी पूजा में। तो इन्होंने कहा कि क्या है,
तो रोज इनको मोहरे चाहिए ही नहीं थी, जाके रोज गंगा जी में डाल आते। पारस मणि भी नहीं चाहिए, मोहरे भी नहीं चाहिए, रोज गंगा जी में जाके डाल आते। तो उन्होंने फिर अपनी पत्नी से कहने लगे, देखो आजकल भगवान कैसे हो गए, संत तो पारस मणि देते हैं और भगवान जो है वो मोहरे देते हैं, कलयुग में क्या हो गया है भगवान को। क्योंकि रैदास जी जानते थे माया का संग्रह भी और सेवा भी दोनों एक साथ निर्वाह संभव है। तब भगवान ने स्वप्न में श्री रैदास जी से कहा कि तुम अपना हट छोड़ दो और मेरी जीत होने दो, अर्थात मुझे देने की झट लगी है और तुम्हें ना लेने की झट लगी है, तो मेरी ही बात रह जाने दो, तो मेरी बात रह जाने दो, तुम्हें 5 मोहरे रोज मिलती हैं, तुम इनसे बड़ा महल बनवाओ और साधु सेवा करो और भजन करो। अंत में श्री रैदास जी ने भगवान की बात मान ली और भगवान की आज्ञा उल्लंघनीय है, नित प्राप्त मोहरों से नई जगह लेकर विशाल संत निवास और भगवान का भव्य मंदिर बनवाया। उसमें अनेक प्रकार के मंडप तने हुए थे, उनकी गणना उनका वर्णन किया जाए तो इसकी संख्या निश्चित हो। नित नवीन श्रृंगार दिखाई देते, दिन रात सेवा और भजन कीर्तन से ऐसा लगता कि मानो श्री भक्ति देवी यहीं रम गई हैं, दूसरी जगह जाना भूल गई हैं। इससे इनकी विशेष संत निष्ठा प्रकट होती थी। श्री रैदास जी के मंदिर की प्रतिष्ठा कराने के लिए भगवान के पार्षद आए। इस प्रकार श्री रैदास जी का सुयश संसार भर में फैल गया। अनेकों प्रकार के सुंदर सुंदर भोग रोग भोग राग होते थे। ये देखकर ब्राह्मणों को ईर्ष्या का रोग हो गया और उससे उन लोगों के शरीर जलने लगे। भगवान बड़े ही क्रीड़ा प्रिय हैं, ये संसार भगवान की क्रीड़ा ही तो है। भगवान बड़े विचित्र खेल खेलने वाले खिलाड़ी हैं। कहाँ तो बेचारे रैदास जी के यहाँ छप्पर में भी नहीं थी, चौड़े में रहते थे, अब भगवान ने अटा अटारी बनवाने का में उन्हें ऐश्वर्य दे दिया। कहाँ तो चौड़े में पड़े रहते थे, कहाँ महल बनवा दी, सब भगवान की लीला। भगवान जो करते हैं वे भक्तों के हित के लिए करते हैं, उनका सुयश बढ़ाने के लिए करते हैं। यहाँ तो श्री रैदास जी का हित ही हुआ, सुयश ही हुआ। अब चुपचाप रैदास जी जो हैं अपने जो उन्होंने इतना बड़ा महल बनाया था वह चुपचाप भगवान की सेवा पूजा करते भजन कीर्तन चलते और संतों की सेवा होती। अब जो ब्राह्मण थे वो सब चिढ़ गए उनसे, उन्होंने राजा से जाके शिकायत करी कि ये जो है ये तो शूद्र जाति का है और ये ब्राह्मण सेवा कर रहा है और सब अनाचार फैला रहा है, इसको कोई अधिकार नहीं है सेवा करने का, संत सेवा कर रहा है तो इसको कोई अधिकार नहीं है, इसकी परीक्षा ली जाए। राजा से कहा गया इनकी परीक्षा ली जाए, हम अपनी भगवान को। और उन्होंने कहा कि राजा ने कहा क्या परीक्षा लोगे, बोले हम अपने भगवान को सिंहासन पर विराजमान करेंगे और ये भी अपने भगवान को विराजमान करेंगे, पहले हम बुलाएंगे, भगवान अगर हमारे पास आ गए तो हमारी विजय होगी और इनके आ गए तो इनकी विजय होगी। पहले ब्राह्मणों की बारी आई तो ब्राह्मणों के भगवान, ब्राह्मणों ने खूब वेद पाठ किए और उनके भगवान उनके पास नहीं आए। जैसी रैदास जी की बारी आई तो इन्होंने हम बहुत प्रेम से भगवान को बुलाया और कहा हे हरि आवतु वेगे हमारे, जैसे आए द्रुपद सुता के गज के काज से धारे, जो प्रहलाद हेतु नर हरि है प्रकट ब्रज खम्बे को फारे, पति राखो रैदास पतित की दशरथ राज दुलारे। उनका राम जी मेरी आप लाज रखिए, आप मेरे लिए प्रकट हो जाइए। तो ब्राह्मण तो जब तब पे वेद पाठ करते रह गए, भगवान उनके पास नहीं आए और रैदास जी के बुलाने से आ गए। पद पूरा होते होते भगवान सिंहासन सहित आकर रैदास जी के हृदय से लग गए। तब ब्राह्मण नतमस्तक हो गए और रैदास जी को राजा की ओर से भी भगवान की सेवा का अधिकार मिल गया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। अब विरोधी लोग क्या करते हैं, संतों की महिमा करते, बोले अगर विरोधी लोग ना हो तो संतों की महिमा कैसे प्रकट हो। जैसे ध्रुव की माँ जो थी, वे माता जो थी, उन्होंने उनको घर से निकाल दिया तो उन्होंने भगवान का भजन ध्यान किया तो कितने बड़े संत बन गए वो, पूरा
उनके पिता भी नंगे पैर भागे आ रहे हैं और उन्हें फिर हाथी में बिठा के पूरे पूरे शहर नगर में घुमाया गया। कितना उनका मान किया गया और उनको भगवान ने राजा बनाया। वो राजा बनना नहीं चाहते थे पर राजा बनाया। तो भगवान उल्टे लोगों को देकर, विपरीत परिस्थिति देकर भक्त का यश बनाते। तो विपरीत परिस्थिति से घबराना नहीं चाहिए। विपरीत परिस्थिति भक्त का यश बढ़ाती है और उसको भगवान का हर विधान मंगल में। तो विपरीत परिस्थिति में उसकी भक्ति बढ़ती है, उसका प्रेम बढ़ता है और उसका यश बढ़ता है। और कितना भी लोग गिराने की कोशिश करें, भक्त कभी नहीं गिरता, उसकी भक्ति बढ़ती। मीरा पे कितने कष्ट आए, रैदास जी मीरा के भी गुरु थे। संत सजग हो जाते हैं अपना लोक परलोक बिगाड़ कर, कोटि कोटि यम यातना को भी स्वीकार कर, विरोधी जी भर कर संतों की निंदा करते हैं, इससे उनके पापों का प्रक्षालन हो जाता है। कितना भी विरोधी लोग उनके उनके मतलब विरोध करें तो उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। विरोधियों के निरंतर विरोध करने से साधु सहजी सहनशीलता के गुणों को प्राप्त कर लेते हैं। निरंतर सहते सहते उन्हें सहिष्णुता क्षमा आदि गुणों से धो जाते हैं। तथा विरोधियों के द्वारा संसार में संतों का बिना प्रचार किए ही प्रचार भी हो जाता है। तात्पर्य यह है कि विरोधी जन संतों के शोधकर्ता, शुद्धिकर्ता, सिद्धकर्ता एवं प्रसिद्धिकर्ता है। अतः प्रियादास जी कहते हैं कि कोई इन्हें प्रतिकूल समझे तो भला समझे, पर मैं तो अनुकूल ही समझता हूँ, मैं अपना विचार कहता हूँ। अब प्रियादास जी कहते हैं विरोधी जन जो हैं वो कभी भी उल्टे लोग जो चल रहे हैं वो हमारा हित ही करते हैं, कभी अनहित अहित नहीं करते, क्योंकि वो उल्टा चलने वाले भी भगवान की मर्जी से ही उल्टा चल रहे हैं। भाव ये है जैसे ताली ताली टेढ़ी होती है, ताली उल्टी घूमती है तो ताला खुलता है। वैसी दुष्ट प्रतिकूल आचरण करते हैं संतों की महिमा प्रकट होती है। ताली उल्टी घूमती है ना तो ताला खुल जाता है। तो कह रहे हैं जैसे ताली के सीधे घूमने में ताला बंद हो जाता है और उल्टा घूमने पे खुल जाता है, ऐसी यदि अनुकूल व्यवहार करते हैं तो लोगों को संतों के प्रति भी कभी कभी संदेह होने लगता है। अतः दुष्टों का प्रतिकूल रहना ही संतों का के हित में है। विमाता के प्रतिकूल आचरण से ही श्री ध्रुव जी की महिमा हुई। अब चित्तौड़ में रानी झाली रहती थी, तो उनको था कि मैं कोई गुरु बनाऊं, तो उनको गुरु बनाने की इच्छा हुई। तो उन्होंने अपने मतलब जो उनके साथ लोग थे उनसे कहा कि जो मेरे जिसको देख का दर्शन करके मुझे ऐसा भाव आ जाएगा कि भाई मैं इनको गुरु बनाऊं, तो उनको मैं गुरु बना लूँगी। अब ये जो थे काशी के लोग जो थे वो दो बार इनकी परीक्षा कर चुके थे। उन्होंने दो बार शिकायत करी थी राजा से कि एक बार तो इनके ठाकुर जी थे वो इनके पास आए, अब दोबारा परीक्षा करिए, अब हमारे ठाकुर जी हैं तो हम हमारे ठाकुर जी को रखेंगे और हम भी वेद पाठ करेंगे और ये भी बुलाएंगे। तो इनके जो जो ब्राह्मणों के ठाकुर जी थे वो भी इनके हृदय से जाके लग गए। ये सारी भक्ति की महिमा है। फिर क्या हुआ कि चित्तौड़ नगर में अब ये गए तो रानी ने इनको मतलब सब जगह ले जाते थे, इनके सारे संतों के दर्शन कराए इनके पंडितों ने और सब लोगों ने, इनके पुजारी पंडितों ने, पर ये रैदास जी के पास नहीं ले गए। पर इन्होंने रानी झाली ने बहुत उनकी महिमा सुन रखी थी रैदास जी की, तो उन्होंने कहा मुझे रैदास जी के पास ले चलो। तो रैदास जी के पास गई तो जैसे ही रैदास जी को देखा बोली यही मेरे गुरु। उन्होंने कहा कि मुझे आप मतलब आप उपदेश दी, उन्होंने उपदेश के लिए प्रार्थना की। रैदास जी ने प्रथम तो टाल मटोल करी, पुनः अपनी जाति की ओर ध्यान आकृष्ट किया, परंतु रानी ने स्पष्ट कह दिया कि आप में मेरी जाति बुद्धि नहीं है, आपको तो मैं ईश्वर स्वरूप गुरु रूप में ही देखती। अधिकारी जानकर कबीरदास जी ने रैदास जी से अनुरोध किया, तब उन्होंने रानी को उपदेश दिया। ब्राह्मणों ने जाकर हल्ला मचाया, अब तक तो रैदास जी श्री ठाकुर जी की सेवा करते थे, अब गुरु भी बनने लगे।
आप ठाकुर जी की सेवा करते थे, अब गुरु भी बनने लगे, इसका न्याय कीजिए। राजा ने कहा, एक बार तो परीक्षा हो चुकी, बार बार भागवत की परीक्षा लेना ठीक नहीं है। तब ब्राह्मण ने कहा, महाराज पहली बार इनको ठाकुर जी, इनके ठाकुर जी थे, अच्छा ये वाला दृष्टांत वार्ता है। भगवान को अभिमान, तो फिर ये मतलब इनके ठाकुर जी आ गए, तो इसमें लिखा है भगवान को अभिमानी से चिढ़ है, और जो देन वाला है भगवान को प्रिय है। जो अपराध भगत करें राम रोष पावक सा जरें, जो भक्तों पर रोष करता है उसको भगवान बहुत दंड देते हैं। इसलिए भक्तों पे कभी भी रोष नहीं करना चाहिए, कभी उनकी वो नहीं करनी चाहिए। तो जब दोबारा उनकी परीक्षा करी तो अत्यंत प्रेमवश होकर भगवान रैदास जी की गोद में आकर विराजमान हो गए। अब काशी के ब्राह्मण तो जानते थे रैदास जी का प्रभाव। अब ये जहाँ पर ये आए चित्तौड़ के जो भक्त थे, रानी झाली के यहाँ के जो लोग थे, वो इनका चमत्कार नहीं जानते थे। रानी झाली ने कहा रैदास जी से कि आप हमारे यहाँ आइए। पहले तो उन्होंने मना किया, पर रानी झाली बहुत पीछे पड़ गई, तब ये उनके यहाँ गए तो वहाँ भंडारे होने लगे। रामानुजाचार्य संत संप्रदाय में भंडारों का बहुत महत्व है, संत सेवा का बहुत महत्व है। और वैष्णव संप्रदाय में, हम लोग वैष्णव संप्रदाय के हैं, तो हमारे यहाँ भक्ति का ज़्यादा महत्व है, भजन का, भक्ति का। संत सेवा का भी महत्व है पर इतना ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा महत्व हमारे यहाँ भक्ति का, भजन का है। तो फिर क्या हुआ कि रानी ने भंडारे किए, तो ब्राह्मणों ने मना कर दिया कि ये तो उनको छू के, चमार को छू के आ रहे, हम नहीं लेंगे। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, तुम लोग कच्चा सामान ले जाओ, दाल चावल आटा सब सब्जी भी सब ले जाओ। तो ब्राह्मण ले गए, तो रानी के पैसे का था, ले गए। जब उन्होंने उसकी रसोई बनाई और खाया तो हर दो ब्राह्मणों के बीच में एक रैदास जी बैठे, दो ब्राह्मण और एक रैदास जी, उन्होंने ऐसा देखा। तो ब्राह्मण जो थे बहुत उनको लगा कि हमने इन पे विकार वो करा, शक करा। भक्ति की महिमा का ज्ञान हो गया, ये चमत्कार भी जो दिखाया वह कुछ अपनी विशेषता प्रकट करने के लिए नहीं, बल्कि भक्ति की महिमा दिखाने के लिए। तब वे ब्राह्मण दीन वाणी से अपराध क्षमा करने की प्रार्थना करने लगे, लाखों ब्राह्मण उनके शिष्य हो गए। रैदास जी ने अपने शरीर की त्वचा को चीर कर दिखाया, तो उन्होंने सोने का यज्ञोपवीत पहन रखा। हे नाथ, हे नाथ। रैदास जी की अचिंत्य शक्ति तो देखकर ब्राह्मणों ने इन्हें साक्षात भगवत स्वरूप समझा। काशी नरेश ने, श्री कविदास जी के शिष्य थे, परंतु श्री रैदास जी भी में भी भाव रखते थे, क्योंकि एक तो ये परम सिद्ध थे, दूसरे गुरु जी कविदास जी के गुरु भाई थे। श्री कविदास जी भी इनका बड़ा आदर करते थे। एक दिन राजा श्री रैदास जी का दर्शन करने आए। भावावेश में इन्होंने राजा को प्रणाम करते देखकर कहा, राजन ये भगवान का चरणामृत है। राजा ने डर के मारे ले तो लिया, परंतु पीने का साहस नहीं किया, लेकिन फेंकने की भी हिम्मत नहीं हुई। अतः पीने का स्वांग करते हुए उसने अपनी कोट की बाह में उसको सरका दिया, क्योंकि इन्होंने जो कठौती में चमड़ा भिगोने का जल था वही दे दिया। उससे कोट की बाह में कुछ लाल सा दाग पड़ गया। राजा मन मारे घर आए और विचार करने लगे कि श्री रैदास जी को ऐसा नहीं करना चाहिए था, आखिर है तो चमार ही ना। फिर कोट धोने के लिए धोबी को दिया। धोबी ने दाग छुड़ाने की बहुत कोशिश की पर दाग नहीं छूटा, तो उसने अपने दांत से रगड़ रगड़ के उसको छुड़ाने की कोशिश करी। अब उसको उस जो कोट में दाग पड़ा था उससे उसके दांत छू गए, उसका थोड़ा सत उसके अंदर आ गया, तो उसको राम की भक्ति और राम नाम का जप करने लगा, वो तो नाचने लगा। उसको इतनी भक्ति, अपनी सुधबुद्ध भूल गया, भगवान का नाम रटने लग गया। तब जैसे तैसे वे वश सहित राजा के पास लाया गया। तब ये बात विदित होने पर राजा को बहुत पछतावा हुआ कि यदि मैंने पी लिया होता तो मुझे भी तत् साक्षात्कार हो जाए। फिर तो काशी नरेश तुरंत दौड़े दौड़े श्री रैदास जी के पास आए और चरणामृत की याचना करने लगे। श्री रैदास जी ने विनम्रता पूर्वक कहा, राजन चरणामृत तो ये तप ही रहा, अब तो ये सचमुच चमड़ा भिगोने का जल ही है,
राजा अपनी भूल पे लज्जित होकर वापस आ गए। तो जब सच्चे गुरु जो प्रसाद दें उसे चमड़े के में से पाना, चमड़े जिसमें भिगोते थे उसमें से पानी दे दिया। श्रद्धा करनी पड़ेगी ना, श्रद्धा की बढ़ाई। एक बार संत गोरखनाथ जो है वो रैदास जी से मिलने आए। गोरखनाथ को प्यास लगी थी, उन्होंने जल मांगा, तो उन्होंने अपनी कठौती में से ही चमड़े जिसमें भिगोते थे उसमें से जल दे दिया। गोरखनाथ ने उसको नहीं पिया। वैसे ही खप्पर ने भरे कबीरदास जी के पास आए। कबीरदास जी ने खप्पर से भरा देखकर पूछा कि इसमें क्या है। उन्होंने सब हाल कह सुनाया। श्री कबीरदास जी की पुत्री कमाली जो पास बैठी थी रैदास जी की भक्ति से परिचित थी, उसने उस पानी को पी लिया। पानी पीते ही उसके हृदय में दिव्य ज्ञान हो गया। श्री गोरखनाथ जी कुछ देर तक श्री कबीरदास जी का सत्संग करके वहाँ अपना रास्ता लिया। इस बीच कमाली का विवाह हो गया और वह मुल्तान चली गई। कुछ काल बाद श्री गोरखनाथ जी अपना मत प्रचार करके तीर्थाटन कर को निकले। अपनी योग सिद्धि के सिद्धि से सबको प्रभावित करते हुए एक खप्पर था जो सिद्धि बल से कभी भरता नहीं था। उनका कहना था जो इस खप्पर को भर देगा मैं उसके यहाँ भिक्षा लूँगा। कोई भर ही नहीं पाता था। तो अभी मुल्तान पहुँच गई थी कमाली, तो उसने अपने पति से कहा कि रैदा ये सर गोरखनाथ जी जो हैं यहाँ आए हुए हैं, तो आप इनको बुलाइए, मुल्तान आए हुए हैं इनको बुलाइए। बोले अरे बिल्कुल, तू खप्पर कैसे भरेगी, कोई नहीं भर पाता। बोले नहीं मैं भर दूँगी। तो उन्होंने उनको बुलाया उसके पति ने, तो उसने एक एक चुटकी चावल डाले और खप्पर भर गया। बोले अरे ये तुझे कहाँ से आया ये, तो उसने बताया कि जो आपको संत रैदास जी ने जल दिया था आपने तो ग्रहण किया नहीं कि चमार का जल है, कटौती उसमें से दे दिया चमड़े के पात्र में से, तो मैंने उसे पी लिया था, उससे मैं सिद्ध हो गई। तो फिर ये भागे भागे गए उनके पास, रैदास जी के पास गोरखनाथ जी। तब रैदास जी ने कहा प्यासे थे तब पिया नहीं, जिन पिया पिया को जान लिया, भूला जोगी फिरे दीवाना, ये पानी मुल्तान में। गोरखनाथ जी हाथ मलकर रह गए। फिर एक प्रसंग आता है कि एक राजा का एक कर्मचारी रोज गंगा जी में राजा की ओर से पुष्प चढ़ाने जाता था। तो गोरखनाथ जी की गोरखनाथ जी का जो निवास था वो भी पड़ता था, तो उनसे कहता था कि आप भी चला करो गंगा जी नहाने। तो वो कहते थे मन चंगा तो कटौती में गंगा, वो तो जाते नहीं थे। तो एक दिन उस दिन कुछ गंगा जी का उत्सव था, तो उन्होंने रैदास जी से कहा कि आप चलो। तो रैदास जी ने कहा कि नहीं मैं तो अपना भजन कर रहा हूँ, तुम ये दो केले ले लो। तो दो केले लेकर बोले ये गंगा जी को चढ़ा देना, कहना रैदास जी ने भिजवाए। तो जैसे ही उन्होंने पहले तो राजा के फूल चढ़ाए, फिर वैसे ही रैदास जी के दो केले दिए, तो गंगा जी में से हाथ निकला, वो केले ले लिए और उसके बदले में फिर हाथ निकला, तो उसमें बहुत सुंदर कंगन था। और वो उन्होंने उनको कहा कि ये रैदास जी को भेंट कर दे। इतना सुंदर हीरे जवाहरात का कंगन देखकर उनके तो मन में लोभ आ गया पंडित जी के। तो उन्होंने कहा इसको तो मैं घर ले जाऊँ, रैदास जी को क्या पता। तो वो जिधर से अपने घर जाए वो रास्ता ही भूल जाए, फिर रैदास जी घर पे आ जाए। इधर से जाए तो भूल जाए रास्ता, उधर से जाए तो रास्ता भूल जाए, बाबा रैदास जी घर पे आ जाए। तो उन्होंने कहा भैया भगवान की मर्जी नहीं है कि मैं इसको हड़पूँ। तो उन्होंने उन घर रैदास जी को गए और उनको दे दिया। रैदास जी ने उसको पंडित जी को दे दिया और पंडित जी ने उसे सुनार को बेच दिया। सुनार के यहाँ एक सेठ नगर सेठ ने खरीद लिया। नगर सेठ की पत्नी की राजा की पत्नी से मित्रता थी, वो पहन कर गई तो रानी को बहुत पसंद आया, तो उसने वो कंकड़ नगर सेठ की पत्नी ने उसको दे दिया राजा की पत्नी को। और उसने राजा से कहा कि मुझे ऐसा दूसरा कंगन चाहिए। बात राजा तक पहुंची, फिर राजा ने पता चला कि तो रैदास जी ने कंगन गंगा जी से प्रकट किया है। तब उन्होंने राजा ने सब सुनहारों को बुलाकर कहा कि भैया आप देखो ऐसा कंगन बना सकते हो,
बोले हम नहीं बना सकते। सब लोग वो नेदास जी के पास गए और उनके उन्होंने अपनी उसमें कटौती में से ही दूसरा कंगन निकाल कर दे दिया। तो फिर पंडित जी ने पूछा कि भैया आपको इतनी सिद्धि कैसे मिली रहदास जी से। तो रहदास जी ने कहा मेरी पत्नी जो है वो बहुत आज्ञाकारी है, इसलिए मुझे ये सिद्धि मिली। तो उन्होंने कैसे पता चले आपकी पत्नी आज्ञाकारी है? बोले एक घी का पीपा मेरे यहाँ रखा हुआ है, कल ही आया था, आप मेरी पत्नी से कहना कि रहदास जी ने कहा है कि ये पीपा लुढ़का दो। तो उन्होंने कहा पीपा लुढ़का दो? तो उसने कहा इसमें कौन सी बात है? तो उसने कहा चलो मैं अपनी पत्नी, उसने लुढ़का दिया पीपा, कुछ पूछा नहीं कि मेरे पति ने ऐसा क्यों कहा है। तो उसने अपनी पत्नी से कहा पंडित जी ने जाकर कि कल 250 ग्राम घी आया था तो तू देसी घी तो तू आंगन में लुढ़का दे। बोले दिमाग खराब हो गया है? तो उसने कहा लुढ़का दे मैं कह रहा हूँ। बोले तुम पागल हो गए हो? फिर पंडित जी ने कहा कि अरे अरे लुढ़का दे मैं कह रहा हूँ, तो झाड़ू लेके उनके पीछे भागी। पंडित जी ने माथा ठोका कि हम कहाँ विष्णु सहस नाम का पाठ करेंगे और गंगा मैया को मनाएंगे, जब घर में ही कुलक्षणी नारी का कुसंग है। उसी दिन से पंडित जी ने ऐसी पत्नी को हाथ जोड़ लिए और वैराग पूर्वक रहने लगे और नित रहदास जी का सत्संग करते और राम नाम को रटते। ये भक्ति का प्रभाव है, संत सदगुरु जनों की कृपा का प्रभाव है कि एक नीच कुल में उत्पन्न श्री रहदास जी राजाओं और महाराजाओं के द्वारा सम्मान प्राप्त किया और रहदास जी जीवन मुक्त हो गए थे, देह रहते विदेह हो गए थे और ब्राह्मण शरीर में परम गति ना पाए शुद्ध शरीर में पाए। इससे ये बतलाया गया है कि केवल शरीर की योग्यता अयोग्यता भगवत कृपा प्राप्त करने में परम गति पाने में साधक बाधक नहीं है, भक्ति के द्वारा किसी भी जाति में एवं योनि में परम गति को प्राप्त किया जा सकता है। बोलिए भक्त और भगवान की जय, हमारे श्याम सुंदर भगवान की जय, सिया राम भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, जय जय श्री राधे श्याम।